बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बीफ आलू गोश्त हांडी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारी आज की रेसिपी है बीफ आलू हांडी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैं दो प्याज ऐड करूँगी मीडियम साइज़ की। फ्राई करेंगे। देखिए हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसको निकाल लूंगी। कलर आप देख सकते हैं, जलाना नहीं है आपको, आपने इसको। तो अब इसी ऑयल में इसने प्याज को फ्राई किया था, मैं इसमें बीफ का गोश्त ऐड करूंगी 300 ग्राम। इसको जो है फ्राई करेंगे और इसके साथ जो है मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट ताकि भी साथ फ्राई हो जाए, दो खाने के चमचे। अब इसके साथ इसको भी जो है फ्राई करेंगे। इसमें दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 3 अदद छोटी इलायची है, 6 से 7 लौंग है और हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। तेज़ पत्ते हैं इसके अंदर 3 अदद। इसको फ्राई कर लूँगी इसके साथ। टमाटर ऐड करेंगे 2 मिनट बाद। और इसके मैंने ऊपर की जो साइड होती है उसकी गोलियाँ है जिसको निकाल दिया है, तो मैं फ्राई करेंगे। देखिए टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 पानी का चम्मच और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/2। ये अपने स्पाइसी पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैं जो है भूनूंगी। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने भून लिया है और अब जब भून जाए तो उसमें हम पानी ऐड करेंगे 2 गिलास। अब इसको हम कुक करने के लिए रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, कुक होना शुरू हो चुकी है, तो उसको हम गलाएंगे। ये हमारा जो गोश्त है ये हमारा आधा जो है गल चुका है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी खशखाश जो मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और उसको छान लिया था। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ खोपरा 1 खाने का चम्मच। इसको मिक्स कर लें। अब इसमें नमक डालूँगी हसबे ज़ायका, मिक्स करेंगे। इसके अंदर जो है मैं दही ऐड करूंगी, दही चली गई इसमें, 1/2 कप दही थी हमारे पास। अब इसके साथ में प्याज मैंने ली हुई थी 2 मीडियम साइज़ की आपके सामने, जो मैंने उसको फ्राई करके निकाल लिया था, चूरा कर लिया था। इसको मिक्स करेंगे और इसको कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट मैंने कुक कर लिया था, तो अब मैं इसमें 300 ग्राम आलू ऐड करूँगी और इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। देखिए मैंने कुछ तरीके से जो है इसकी भुनाई कर ली है। अब हमारे आलू जो हैं अभी गलने बाकी हैं, तो अब मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूंगी। अब इसी पानी के अंदर हम इसको कुक कर लेंगे और इसकी जो ग्रेवी भी तैयार होगी, तो उसको हम रखेंगे कुक करने के लिए। तो अब देखें मैं इसमें ऐड करूँगी गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसको मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक कुक करेंगे।
रेडी हो चुका है, मैं इसको सर्व करूंगी। जी तो हमारी आज की रेसिपी आप देख सकते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बीफ आलू गोश्त हांडी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैंने चॉप्ड धनिया का इस्तेमाल किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इस रेसिपी को बॉयल्ड राइस के साथ या चपाती या नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।